सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस बाय फरवी मेरा। आज का जो वीडियो होगा वो अपना बिगनर्स के लिए, जो भी बिगनर भाई अपने घर पे रह के बिना इक्विपमेंट के बॉडी बनाना चाहते हैं तो वो अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भी बिगनर भाई है वो बिना इक्विपमेंट के अपनी अच्छी खासी ओवरऑल बॉडी के लिए कौन से एक्सरसाइज कर सके ताकि वो अच्छी खासी बॉडी बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमको एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा वार्म करना जरूरी है क्योंकि इससे हम अपनी एक्सरसाइज को करने के लिए अपने शरीर को पहले रेडी कर सके। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मैं अपना वार्म अप। हमको बहुत कम से कम 5 मिनट के लिए करना होगा। मैं थोड़ा कम करके बताऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज होगी अपनी चेस्ट के लिए पुशअप्स, जो हम नॉर्मली करते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको करना कैसे है। हमको पहले पोजीशन लेनी है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बैक को स्ट्रेट रखते हुए, और अपनी जो हाथों की पोजिशन है वो अपनी चेस्ट से थोड़ी सी दूर रखनी। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऊपर आके हमको फ्रेंड्स चेस्ट को स्ट्रेच करना है, सेकंड भी होल्ड करना है बिल्कुल टाइट तरीके से, ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको 3 सेट करने होंगे केस के, और रेपिटेशन हमको 15 से 18 के बीच में कर सकते हो आप। मैं कम करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होगी चेस्ट की सेकंड। सो फ्रेंड्स, सेकंड एक्सरसाइज होगी अपनी इंक्लाइन पुशअप्स, जो कि हमारी लोअर चेस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंक्लाइन पुशअप्स। इसको भी सेम हमको पोजिशन वैसे रखनी जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी हमने, जैसे नीचे से नीचे धीरे से आना है, ऊपर के आके स्क्वीज करना होगा हमको चेस्ट को 1 सेकंड के लिए होल्ड करके, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। आप अपने घर पे कुछ भी सीधी टेबल होगी, मतलब कोई भी टेबल रख सकते हो आप इसको करने के लिए, और आप उसके साथ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी चेस्ट की लास्ट एंड थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सो फ्रेंड्स, थर्ड एक्सरसाइज अपनी डिक्लाइन पुशअप्स, जो कि हमारी अपर चेस्ट के लिए होगी। तो इसको करना कैसे है मैं आपको पोजीशन बताता हूँ। पहली पोजीशन बिल्कुल सेम नॉर्मल पुशअप्स की तरह लेनी है, और आपके घर पे एक टेबल अवेलेबल होगी आसानी से मिल जाएगी, उसके ऊपर हमको दोनों को पैरों के ऊपर रखना है और फिर हमको पुशअप्स करने हैं। धीरे से नीचे आना है और धीरे से ऊपर जाना है। हमको अपनी बैक को बिल्कुल सीधे रखनी है और ऊपर आके एक सेकंड के लिए होल्ड करना होगा, और साथ में हमको पूरा फोकस अपनी चेस्ट के ऊपर रखना है। सो फ्रेंड्स, हमको जब भी कोई भी एक्सरसाइज करनी हो तो हमारा फोकस उसी मसल पर होना चाहिए जिस मसल को हम टारगेट कर रहे हैं। उससे होगा क्या, आप ना फोकस पूरा रहने से अच्छी जल्दी से ग्रोथ पर क्रैक कर पाएंगे। तो इसको हमको 3 सेट करने, रेपिटेशन 15 से 18 करना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगले एक्सरसाइज की तरफ।
सो फ्रेंड्स सेकेंड एक्सरसाइज होगी अपनी बैक के लिए, तो हम बैक को एक्सटेंड करेंगे। तो हम बैक को करने के लिए अपने घर पे जो कोई पट्टी होगी या अपने घर पे या फिर ऐसी कोई भी जगह जिससे आप अपनी बैक एक्सरसाइज कर पाओ, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी बैक की एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने जैसे आपको बताया कि हमको कोई भी एक्सरसाइज करनी हो वैसे हमको बैक के ऊपर पूरा फोकस रखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बैक की एक्सरसाइज। तो हमको ग्रिप टाइट रखनी होगी और पोजीशन ये लेनी है हमको और ऊपर आके एक सेकंड के लिए होल्ड करना होगा, धीरे से आना है। तो हमको मसल के ऊपर फोकस रखना है पूरा पूरा और साथ में ऐसे के लिए होल्ड करना होगा और हमको करता रहना है। तो इसके हमको सेट्स ट्रेन करने होंगे और रेपिटेशन हमको 15 से 18 करना होगा। तो फ्रेंड्स सेकेंड एक्सरसाइज में हमको बैक के लिए 2 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो आप ईंटें आपके पास अवेलेबल हो जाएगी आसानी से। तो इसको करना कैसे है मैं आपको बता दूँ, हमको दोनों हाथों में एक एक ईंट लेनी होगी और हमको पोजिशन बिल्कुल ऐसे करनी है और ये वाले फेस करनी है हमको। जैसे कि मैंने आपको बताया हमको एक सेकंड के लिए होल्ड करना है और धीरे से करना है। और मां हमको पूरा फोकस बैक के ऊपर रखना है। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमको 3 सेट करने, रेपिटेशन 15 से 18 करनी होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी बैक की थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सो फ्रेंड्स बैक की थर्ड एक्सरसाइज होगी अपनी डेडलिफ्ट। तो हमको दोनों ईंटें लेनी है हाथ में और हमको आगे रखना है इसको और पोजीशन हमको बिल्कुल बैक को सीधी और हमको अपने थोड़े से पिच लेने और ऐसे धीरे से नीचे ले आके और धीरे से आपके ऊपर स्क्वीज करना है बैक को हमको। हमको भी इसमें 3 सेट करने और रेपिटेशन 15 से 18 करने। तो ये तो हो गई अपनी बैक की एक्सरसाइज। अब आगे बढ़ते हैं अपनी बाइसेप्स एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली अपनी बाइसेप्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइसेप्स के लिए सबसे पहले हमको 2 ईंटें लेनी है और फिर करना होगा। तो देखिए इसकी पोजिशन पहले हमको हाथों को यहाँ पर रखना है, ऐसे आगे और ऊपर आके ऐसे होल्ड करना होगा अपन को ऐसे। एक बार सामने से देख लीजिए। सो फ्रेंड्स ये तो है मेरे बाइसेप्स के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इसके हमको 3 सेट करने हैं और साथ में रेपिटेशन हमको 15 से 18 करनी होगी। तो अब सेकंड एक्सरसाइज होगी हमारी हैमर कर्ल। तो हैमर कर्ल को करना कैसे है देखिए। तो सबसे पहले हमको दोनों ईंटें लेनी है और इसमें पोजीशन ये वाली रहेगी ऐसे। पिछली बार हमने ये वाली की थी, अब इस बार हमने ये करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार साइड से देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स ये है हमारी बाइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज। तो इसमें हमको रेपिटेशन 15 से 18 करनी होंगे और सेट्स हमको 3 करने हैं। तो ये तो हो गई हमारी बाइसेप्स की 2 एक्सरसाइज। अब पढ़ते हैं हमारी बाइसेप्स की 3 एक्सरसाइज के लिए। तो फ्रेंड्स बाइसेप्स की 3 एक्सरसाइज के लिए हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। तो इसके लिए हमको एक ईंट लेनी है और पोजिशन ये रखनी है, इस पैर को सीधे ऐसे और इस पैर को ऐसे करना है
और साथ में एल्बो को हमारे घुटने के पास में रखना है और ऊपर कैसे रखना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऊपर के 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे होल्ड, बिल्कुल ऐसे। एक बार दूसरे हाथ से देख लीजिए ऐसे ऐसे, इसको ही झुक पर आके ऐसे। तो फ्रेंड्स इस वाले सेट को करने के लिए हमको 15-18 रेपिटेशन करनी होंगे और साथ में 3 सेट करने हैं। तो ये तो हो गए हमारे बाइसेप्स की एक्सरसाइज, और अब बढ़ते हैं हम हमारे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए। तो फ्रेंड्स ट्राइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमको करना है डायमंड पुशअप। तो उसको करना कैसे है, पहले हमको दोनों हाथों को पास में रखना है, क्लोज ग्रिप करनी है मतलब, और पोजिशन बिल्कुल पुशअप लेनी है और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और फिर नीचे आके धीरे से 1 सेकंड के लिए रुकना है, फिर ऊपर आके ट्राइसेप्स को स्क्वीज करना है ऐसे ऐसे, स्क्वीज ऊपर आके बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे। तो डायमंड पुशअप से हमारे ट्राइसेप्स की जो मसल है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। तो इसमें हमको 3 सेट करने और रेपिटेशन 15-18 करने हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज होगी हमारी किकबैक। तो चलिए बट हमारे किकबैक की तरफ। तो फ्रेंड्स ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी किकबैक। किकबैक करना कैसे है, दो ईटे लेने हैं हाथों में, पोजिशन बिल्कुल ये रखनी है, सिर्फ बैक को स्ट्रेट, हिप्स को पीछे, और दोनों हाथों को यहाँ पे, और यहाँ तक करना है हमको हाथों को आगे, और आगे ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक करना है, और पीछे के किक करना है एकदम हाथों को ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, स्क्वीज करना है ऐसे, ट्राइसेप को फील करना है ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमको ये वाली एक्सरसाइज मतलब ट्राइसेप को फील करके करना है। तो इसमें हमको रेपिटेशन 15-18 करने हैं और सेट्स हमको वही 3 करने होंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज होगी हमारी ट्राइसेप्स के लिए बेंच डिप्स। तो चलिए मैं बताता हूँ बेंच डिप्स। तो फ्रेंड्स ट्राइसेप्स की थर्ड एक्सरसाइज हमारी बेंच डिप्स। तो इसको करना कैसे है, अपने दोनों हाथों को हिप्स की पास में रखना और पोजिशन पैरों की आवाज रखनी है ऐसे बिल्कुल, और हमको नीचे आके 1 सेकंड के लिए रुक के ऊपर आके ट्राइसेप को स्क्वीज करना है ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। हमको ट्राइसेप्स की मसल के ऊपर फोकस रखना है, फील करके करना है हमको ऐसे। तो फ्रेंड्स इस वाले एक्सरसाइज के हमको रेपिटेशन भी 15-18 करने होंगे और सेट्स हमको 3 करने हैं। तो अब होगी हमारे शोल्डर्स की एक्सरसाइज। तो शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए करना क्या, शोल्डर के लिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी साइड लेटरल। तो इसको करना कैसे, पहले हमको दो ईटे लेनी हाथों में और अपने जो हाथ है ये ऐसे सीधे रहेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना है बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे है इसको ऐसे घुमाना दोनों हो दोनों साइड से, और फिर हमको करना कैसे, इसको ऐसे करना है ऊपर आके बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, अपने जो एल्बो है वो ऊपर रहेगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तो हो गया हमारी ट्राइसेप्स के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमको रेपिटेशन 15-18 करने और सेट्स हमको 3 करने। तो सेकंड एक्सरसाइज होगी हमारे ट्राइसेप शोल्डर के लिए फ्रंट रेजेस। तो फ्रंट रेजेस करना कैसे है, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल धीरे धीरे करना है तो ये तो हो गया हमारे सेकंड एक्सरसाइज शोल्डर के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ शोल्डर के लिए, जो वो होगी अपने ट्रैप्स के लिए सरक्स। तो सरक्स करना कैसे है, दोनों हाथों में ईटी लेनी है हमको पहले, और अपने जो ट्रैप्स है ट्रैप्स को ऊपर खींचना है ऐसे ऐसे
अपने ट्रैप्स को ऊपर खींचना है ऐसे ऊपर, ना कि हमको हाथों को ऊपर खींचना करना है ऐसे, हमको ट्रैप्स को ऊपर खींचना है। एक बार साइड से देख लीजिए आप ऐसे, ऐसे। तो इसमें हमको वही रिपीटेशन 15-18 करने और सेट्स हमको 3 करने हैं। तो ये तो हो गए हमारे शोल्डर की एक्सरसाइज। अब शोल्डर की एक्सरसाइज बाद में होगी हमारी लेग्स के वर्कआउट। तो लेग्स की एक्सरसाइज कैसे होगी, तो सबसे पहले होगी हमारी स्क्वाट। तो पोजीशन कैसे लेनी है इसमें, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल एक से की थोड़ा पीछे हो जाता हूँ मैं आपको प्रॉपर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हमको दोनों पैरों को पास में ऐसे रखना है, अपनी जो शोल्डर है शोल्डर से थोड़ा सा बाहर खोलना है और दोनों पैरों को सीधे रखना है ऐसे, और हमको हाथों को बिल्कुल ऐसे यहाँ पर रखना है और फिर स्क्वाट करना है ऐसे, नीचे बैठना है और ऊपर आना है ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे धीरे 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 धीरे। तो इसमें हमारे जो क्वाड मसल है वो ट्रेन होगी। तो इसमें हमको 15 से 18 रिपीटेशन करनी होगी और सेट्स हमको 3 करने। तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी लंजेस। तो इसको करना कैसे, एक पैर पीछे एक पैर आगे ऐसे और हाथ ऐसे और फिर नीचे आके ऐसे करना है बिल्कुल ऐसे। बार थोड़ा दूर हो जाता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। एक बार दूसरे साइड से देख लीजिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो इसमें हमारी जो सामने वाली फ्रंट मसल होती है लेग्स के लिए, उसको ट्रेन करना है। तो इसमें हमको 15-18 रिपीटेशन करनी होगी और सेट्स हमको 3 करने हैं इसमें। तो थर्ड एक्सरसाइज होगी हमारी लेग्स की काल्व एक्सरसाइज के लिए। तो इसको करना कैसे, सबसे पहले हमको दो ईंटें लेनी है हाथों में, दोनों ईंटों को लेके हाथ में हमको पैरों को पास में रख के काल्व को ऊपर रख के स्क्वीज करना है बिल्कुल ऐसे। एक बार दूर से दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऊपर आके स्क्वीज करना है हमको बिल्कुल ऐसे। हमको मसल को फील करके रखना होगा बिल्कुल ऐसे। एक बार साइड से देख लीजिए आप, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारी लेग्स की खत्म एक्सरसाइज। तो इसके हमको काल्व के करने होंगे 3 सेट और रिपीटेशन 15 कर सकते हो आप। तो ये हो गया हमारा होम वर्कआउट बिगिनर्स के लिए। तो आप इसको फॉलो कीजिए और आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसे हमको प्यार दिखाएंगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि आपसे हमको मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है।